मीटर स्टार्ट हो। हमारा जो मानवाधिकार है उसका हत्या हो रहा है। अगर छुट्टी चलेगी तो घर में डेथ केस हो गई तो उनको पनिशमेंट मिलता है। 12 आवर ड्यूटी अभी अगर एक पैर के ऊपर पैर भी रख लिया ना तो भी आप पनिशमेंट के भागीदार। ये तो आपको टॉर्चर कर रहे हैं भाई। लेक्चर कॉल के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। मतलब आप इंजन के पार्ट यूरिनल नहीं है, टॉयलेट तो फिर छोड़ दीजिए। अभी लेडीज लोगों को पायलट है, नहीं भाई एसी नहीं। और ट्रेन में एसी होता है और सप्लाई हम देते हैं। रेलवे के अभी भी हो ब्रेथलाइज़, ये क्या है? ये ब्रेथलाइज़ है, अभी करेंगे। और इसी ड्यूटी हो गया, रेडी हो गया। अब मतलब आपको अब पैसा मिलना शुरू हो गया? नहीं, हाँ सर, ड्यूटी मेरी स्टार्ट नहीं, मतलब मीटर स्टार्ट हो गया। यस यस सर, तो सबसे बड़ी आपकी मुश्किल क्या है? ड्यूटी आवर्स है सर, ड्यूटी आवर्स, ड्यूटी आवर्स, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स। एवरेज कितना ड्यूटी आवर्स आता है? 14 घंटा सर, 14 आवर्स, एंडलेस, 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 प्योरली एंडलेस, एंडलेस। तो जब आप कहते हो 14 आवर्स, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? एक दिन में 14 आवर्स, एक ट्रिप में 14 आवर्स, एक ट्रिप में 14 आवर्स। तो मान लीजिए आज शुरू किया, 14 घंटे आपको चलाना है, उसके बाद आप रुके, उसके बाद आपको ब्रेक कितना मिलता है? मिनिमम रेस्ट 8 आवर्स, और 8 आवर्स के बाद फिर 14 घंटे, फिर 8 आवर्स, फिर 14 घंटे, रिटर्न टू हेडक्वार्टर में 16 घंटे। बट हाउ कैन यू सस्टेन दिस? ये सस्टेन कैसे किया जा सकता है? मजबूरी है सर, कर रहा है। आपका सिर नहीं बढ़ा के? नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, ये 2 दिन 5 दिन 10 दिन कर दिया, महीनों करते हैं, मगर ये महीनों कैसे करते हैं? महीना में सालों। ब्रेक आपको कितनी मिलती है? चार महीने में 4 है 30 आवर्स का रेस्ट, 16 है हेडक्वार्टर आने पर, और महीने में 4 को 30 घंटे। साल में आपको कितनी छुट्टी मिलती है? सर छुट्टी मिलती नहीं, छुट्टी अगर कोई लगाता है तो उनको पनिशमेंट मिलता है, काट देता है। किसी ने लगाया, अगर छुट्टी चलेगी, उनके घर में शादी है, उनके घर में डेथ केस हो गई तो उनको पनिशमेंट मिलता है, उनको चार्जशीट। बहुत मुश्किल से छुट्टी, बहुत मुश्किल, रियर केस है। तब हाई पावर कमेटी ने स्वयं कहा, रेलवे ने, सरकार ने 2013 में हाई पावर कमेटी बनाई, पीपल्स पार्टी कमेटी, उन्होंने रिकमेंडेशन में कहा कि लोको पायलट जो है एक डिस्टिंक्ट डिग्री का स्टाफ है, इसका रेस्ट बहुत कम है, 30 घंटे ही रेस्ट है, ये बहुत ही इनएडुकेट है, मिनिमम 40 आवर्स रेस्ट मस्ट बी गिवन। बट मेन इसका प्रॉब्लम ये होगा कि ये रिक्रूटिंग नहीं करते। यस, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। हम लोगों को लिए जो पनिशमेंट के लिए HOR रूल बनाया गया है, HOR रूल पनिशमेंट के लिए, इतना टाइट लोकोमोटिव पायलट हो, जी सर, जी सर, इतना टाइट रूल है सर कि 8 आवर ड्यूटी 12 आवर ड्यूटी हम कैमरे के सर्वेलांस में करते हैं, वो भी अगर एक पैर के ऊपर पैर भी रख लिया ना तो भी हम पनिशमेंट के भागीदार। वो चाय भी नहीं पी सकते उस दौरान? लेक्चर कॉल के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, हम लोग रोक के चलते 4-5 घंटे लेक्चर कॉल। बट इसका आइडिया क्या है इसके पीछे? आप मानव नहीं है, आप मशीन है। मतलब आप इंजन के पार्ट? यस सर, यस, आई एम पार्ट ऑफ लोको। तो ये तो आपको टॉर्चर कर रहे हैं भाई। ये तो बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर। तो लोकोमोटिव में टॉयलेट नहीं है? नहीं सर, यूरिनल तक नहीं है, यूरिनल नहीं है, टॉयलेट तो सर छोड़ दीजिए, यूरिनल नहीं है। सर विडंबना ये है कि अब लेडीज लोगों को पायलट है और 8 घंटे रनिंग कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक। मतलब लॉजिक क्या है इसका? मशीन है, मशीन है, टॉयलेट। ओनली ओनली ये है कि गाड़ी इंजन चाहिए, इंजन चाहिए, टॉयलेट करने की जरूरत नहीं। भाग हो, अभी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं सर, तो ऐसे इंजन वजह से एसी नहीं हो, और उसमें आप देखिए ड्राइवर कैसे वर्किंग, कितनी हार्ड वर्किंग कैसे कर रहा है वो। आप आधा घंटे से ज़्यादा खड़े नहीं हो पाएंगे इंजन में। एक सवाल है इसमें, अगर आप 2-3 चीज़ बदल सकते डिज़ाइन में, डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट कर सकते तो क्या करते हैं? क्योंकि सर ये जो इंजन है, ये जो आए हैं फॉरेन कंट्रीज से आए हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर इसके लिए अनुकूल था, लेकिन इंडिया में जब टेम्परेचर, ये इंडियन इंजन नहीं है। तो सर जब टेम्परेचर बाहर 45 होता है तो इसमें 6-8 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और सर अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा आपके डिसीजन लेने की क्षमताओं में कमी आती है। और ट्रेन में एसी होता है? ट्रेन में एसी है और सप्लाई हम देते हैं, इंजन छोटा सा एसी लगाना है। हाँ सर, लोगों के पास जितने भी है जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं वही विदाउट एसी के। चेंज क्या लाएंगे सर? ये मतलब कई बार ऐसा होता है यूरिन रोकने से सर कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। पहले फीमेल स्टाफ इतने नहीं था, फीमेल स्टाफ भी रनिंग में बहुत आ रहे हैं, तो सर उनके साथ बहुत बड़ी समस्याएं होती है यूरिन को लेकर के। अगर आप ड्राइवर को एसी नहीं दे रहे हो, टॉयलेट नहीं दे रहे, टाइम पर भोजन, बड़ा रिस्क हुई है। यस सर, और सर 4 नाइट ड्यूटी। आप रेलवे के अग्निवीर हो,
यस सर, अग्नि रेलवे के मजदूर हो आप सर। सर यहाँ तक हर साल हमारे डिपार्टमेंट से 200 से 300 लोग निकल रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, मतलब वो बीमार हो गए रनिंग कैटेगरी के लिए। फिर मतलब हमारे रेस्ट पे ध्यान नहीं, हमारे सोशल लाइफ पे ध्यान नहीं, हमारा हेल्थ पे ध्यान नहीं, मतलब ये सब चीज़ें सर हमारा जो मानवाधिकार है उसका हत्या हो रहा है। सर घर में संसद में आपके इश्यूज उठाऊँ तो अगर तीन बात बोल पाऊँ तो तीन बात क्या हो? सर इंसानों की तरह हमें भी 8 घंटे 9 घंटे में ड्यूटी खत्म करवाएं, और दूसरा सर इंजन इस तरह का हो कि हम इंसान जैसे रहें, 54-55 degrees सी तापमान में अगर किसी से हम 16 घंटे ड्यूटी कराएंगे तो वो इंसान तो नहीं रह पाएंगे। दूसरा सर एक ये है कि डेली की अपर लिमिट इनकी डिसाइड नहीं, ये जितना चाहेंगे उतना काम लेंगे, डेली की अपर लिमिट डिसाइड हो सर, और नाइट ड्यूटी 2 नाइट से ज्यादा ना हो। ये वीकली अप जो है 2 नाइट और एक डे बेसिकली जो लोकोमोटिव ड्राइवर है, लोकोमोटिव पायलट है, उसको एक ट्रीटमेंट मिल रहा है, और जो दूसरे लोग हैं नॉन मूवमेंट वाले उनको दूसरा ट्रीटमेंट, और रेलवे का पूरा बजट का फायदा उधर जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिलता, यही है। जबकि हम लोग ट्रेन चलाने में पूरा जिम्मेदारी हम ही का है। आपको डर लगता है कि ये प्राइवेटाइज कर देंगे? हो रहा है सर, हो रहा है, हमारा यूपीएससी में जा रहा है अभी पैसा, भविष्य सिक्योर नहीं है सर, इसलिए ओपीएससी बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग बार बार आंदोलन करते हैं, लेकिन उस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ओके, थैंक यू।